हेलो दोस्तों, स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। और गुरु नीति के सीरीज में आज वाला जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 920 और जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट। यू नो माई सेल्फ आरसी देवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर, और मेरे साथ है नवरत्न जागीर, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। तो यहाँ आपको हम बता दें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम दो पार्टों में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। और फर्स्ट पार्ट में हमने केवल बेसिक लिगेंड के इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए और मेटल कार्बोनिल जहां से बल्क में क्वेश्चन आते हैं उसको फोकस किया है। और सेकंड में थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा ध्यान से होके अच्छे से एंजॉय करिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ ओनली एम्बीडेंटेड लिगेंड, कौन सा केवल उभयदंतुक लिगेंडों का समूह है? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड, सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि एम्बीडेंटेड लिगेंड होता क्या है। होता क्या? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, डिफरेंट डोनर एटम हो, एक से ज्यादा डिफरेंट डोनर एटम, और कंडीशन ये है कि वन टाइम वो केवल एक ही एटम लोन पे डोनेट करता हो। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम में एक ही डोनर एटम यूटिलाइज होता है। तो यहाँ जैसे हम सबसे पहले देखें NO2- है, तो NO2- की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो NO2- की स्ट्रक्चर आती है ये वाली। तो इसमें ये दोनों ऑक्सीजन सेम है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट यहाँ इसके पास लोन पेयर है तो ये नाइट्रोजन से भी बॉन्डेड हो सकता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्डेड हो सकता है। बट हमारे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ये देखें कि ओनली केवल उसमें एम्बीडेंटेड का ही सेट होना चाहिए, हमसे पूछा है। फिर सेकेंड है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में अगर हम बात करें तो ये बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। अब ये तीनों ऑक्सीजन सेम है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ केवल डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो इसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन आने का मतलब खत्म हो गया। बिल्कुल सर। सेकंड NO2- अभी मैंने एक्सप्लेन किया होगा, साइनाइड जो है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जस्ट लाइक एक्ट एज ए लोन पेयर, तो कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। बिल्कुल। तो सर इसका नाम भी चेंज हो जाता है, आइसोसाइनोड साइन। जी। तो यहां पे फिर है आपके पास SCN, थायोसाइनेटो, वैसे इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, बट हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो थायोसाइनेटो इसका नाम होगा। इसकी स्ट्रक्चर ये वाली होगी, सल्फर, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल। तो यहां नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो सकता है सर। बिल्कुल। और दूसरा अगर ये रेजोनेंस हो करके ये सल्फर पे डीलोकलाइज हो गया नेगेटिव चार्ज पे डोनर, तो सल्फर भी डोनर एटम का काम कर सकता है। तो यहां हम ये देख पा रहे हैं कि NO2- CN- SCN- तीनों ही ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। बिल्कुल। इसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं बच्चों को कि एम्बीडेंटेड लिगेंड हैविंग कॉम्प्लेक्स आल्सो हैव लिंकेज आइसोमर। बिल्कुल सर। बिल्कुल। एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो उसमें लिंकेज आइसोमर बनेंगे, और वहां पर दो डिफरेंट आइसोमरिज्म, जब अपन आइसोमर्स बनाते हैं केवल डोनर एटम का डिफरेंस होता है, डोनर एटम का डिफरेंस होता है। यहाँ C2O4 इसमें ऑक्सीजन डोनर है, इसमें है, ये दोनों है बट ये नहीं है। यहाँ पे ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड ही है, केवल सल्फर की जगह क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये वाले एम्बीडेंटेड नहीं है। तो क्वेश्चन बेस्ड सेट ऑफ ओनली एम्बीडेंटेड लिगेंड आंसर जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती दंतुक लिगेंड है? तो फ्लेक्सी लिगेंड के बारे में जैसा कि अभी अपन बात करें, तो अगर पॉलीडेंटेड जनरली लिगेंड होते हैं बट अपने सभी के सभी डोनर एटम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ड्यूरिंग यूटिलाइज नहीं होते। एक सिंपल वे में हम बोलना चाहते हैं, ये बोल सकते हैं कि जनरली दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड, जनरली हम इनको मोनोडेंटेड लिगेंड कंसिडर करते हैं, बट जरूरत पड़ने पर ये अपनी डेंटिसिटी एक से ज्यादा शो कर सकते हैं। बिल्कुल। कंसिडर एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जैसे सबसे पहले दिया नाइट्रेट हो, तो NO3- जो है ना वो ये वाला है सर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी ये ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है, तो जनरली मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ओपन करूं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओपन कर दूं, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड ओ आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। और ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कैसे शो करेगा, ये एन डबल बॉन्ड ओ और ये पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, तो ये भी डोनेट कर सकता है मेटल को और ये भी डोनेट कर सकता है, तो इस कंडीशन में ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये पूछा है कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, तो नाइट्रेटो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, बट ध्यान रखना दीज आर नॉट ए एम्बीडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। फिर है कार्बोनेटो,
तो यहाँ भी सर यही सी डबल बोन ओ, ये भी जनरली मोनोडेंटेड होता है, पर जरूरत पड़ने पर ये भी बाइडेंटेड बन जाता है। ये ऑक्सीजन और ये दोनों ही अपने इसको डोनेट कर देगा, तो ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सर अपन इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे अपन एक तो समझाने का अपना ये भी तरीका हो गया, एक अपन ये भी बोल सकते हैं जिसमें इसमें फोर मेंबर रिंग बन रही है। हाँ, फोर मेंबर रिंग बननी चाहिए, मतलब फोर मेंबर रिंग से छोटी रिंग नहीं बननी चाहिए, स्ट्रेन आ जाता है, अनस्टेबल होती है, और फोर मेंबर रिंग में भी रिंग में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, फिर ऐसे सेम सल्फेटो हो जाएगा। बिल्कुल, एच डबल बॉन्ड ओ, एच डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन माइनस, हाँ, और ये यहां दोनों इसको डोनेट कर देंगे तो ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। तो इसका मतलब ये तीनों ही फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। इसके अलावा भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड अगर बात करें तो H2O3-2 ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, CH3CO-acetato ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। तो यहां आंसर गया ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का मेन पर्पज यही था कि हमें आपको ये बताना था कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता क्या है। ठीक है, एक सर अपन एक हाइड्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, N2H4 की अगर अपन बात करें इसके अंदर भी अपन ये कह सकते हैं कि ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग जो है वो तीन मेंबर वाली रिंग बन रही जो काफी अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल, इसलिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम ये नहीं करेगा, ये यूनिडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is pi acid ligand? तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आगे हमने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं इस कंसेप्ट पे, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस कंसेप्ट को यहीं क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल सर, कि एक्चुअली में पाई एसिड होता क्या है, पाई एसिड लिगेंड क्या होता है। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब मेटल को लोन लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करता है तो ये बनता है सिग्मा बॉन्ड, बन गया सिग्मा डेटिव बनता है, और ये कहां डोनेट कर रहा है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये डोनेट कर रहा है। अब क्या होगा कि मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, ठीक है, फिल्ड डी ऑर्बिटल, और इस लिगेंड के पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो है वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग जो एमओटी से एक्सप्लेन होता है, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग, या फिर वीबीटी से हम ये बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, बोल सकते हैं, तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, तो इसके पास दो कंडीशन है कि या तो पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट हो सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग का वैकेंट का जैसे मैं सीओ को बोलूं, इसके पास इसका ल्यूमो होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, N2 हो गया, एक एनओ हो गया, एक सी ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस हो गया, तो ये इन सबके पास पाई एंटी बॉन्डिंग है। दूसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, CF2 डबल बॉन्ड CF2 हुआ, पाई बॉन्ड बनाया तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी है यहां, बेंजीन हुआ इसके पास भी पाई एंटी बॉन्डिंग है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल हुआ, साइक्लोपेंटाडाइनाइल हुआ, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल सिंपल सा कांसेप्ट है, जैसे पी ट्राई हेलोफोस्पिन हो, बिल्कुल सर, PH3 हो, केवल फोस्पिन हो, ट्राई एल्काइल फोस्पिन हो, ट्राई फिनाइल फोस्पिन हो, बिल्कुल सर, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ एक्चुअली में होता क्या है, लिगेंड पहले अपने लोन पर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, उसके बाद क्या होता है कि मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग या वैकेंट डी हो सकता है। तो मेटल अपने ये जो फिल्ड डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वापस इसमें क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये बनेगा पाई डेटिव। तो आप एक चीज देखो, यहां पहले इसने लोन पे डोनेट किए तो इसको हम बोलेंगे लेविस बेस, अब ये इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे लेविस एसिड, तो इसको बोलेंगे लेविस एसिड। तो वो लिगेंड जो सिंड्रेजिक बॉन्डिंग शो करते हैं इसको सिंड्रेजिक बॉन्डिंग बोलते हैं, कि पहले लोन पर डोनेट करता हो उसके बाद मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा हो। पाई एसिड का मतलब लोन पर लेने पे पाई बॉन्ड बनना चाहिए, बिल्कुल लोन पर लेने पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो इस कंडीशन में जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं पाई एसिड। अब जैसे हम इसमें ये बात करें सर, बैक डोनेशन भी अपन कह सकते हैं सर, हाँ बैक डोनेशन, बेसिकली बैक डोनेशन अपन कह सकते हैं, और अगर मान लो लिगेंड जैसे मान लो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप का है वो भी पाई एसिड में आएगा, पाई एसिड आएगा, वो भी एक प्रकार से वो फिर आगे क्लासिफिकेशन हो जाता है कि नॉन क्लासिकल भी दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल नॉन क्लासिकल भी, नॉन क्लासिकल भी दो प्रकार के होते हैं। तो यहां देखो अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके में कुछ एप्लीकेशंस भी यहां डिस्कस करने वाला हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई एसिड लिगेंड, तो CO मैंने अभी बोला है, CO के पास पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है, जाके MOT इसकी देखें, इसके पास ल्यूमो
लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो वैकेंट होता है, तो CO पाई एसिड है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप का जो होगा। CN CN माइनस मैंने लिखा है, ये भी है। PR3 के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो पहले अपनी ये लोन पे डोनेट करके ये सिग्मा डेट्यू बनाएगा, उसके बाद वापस लेगा तो पाई डेट्यू बनेगा। तो यहां तीनों एग्जांपल ही पाई एसिड लिगेंड के हैं। तो एक वापस से मैं कंक्लूड कर देता हूं कि मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके पाई बॉन्ड बनाते हो उनको हम पाई एसिड लिगेंड। अब देखो इधर सर, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है CO कार्बोनिल का। हाँ, कार्बोनिल तो उसको हम यही डिस्कस करते हैं क्योंकि आगे हमारे पास उसकी बहुत क्वेश्चन है, तो उसको कर देते हैं यहीं पे। कि अभी मैंने बोला मेटल और इसको ध्यान से देखिए आप, ये CO है और ये जो लोन पेयर होता है इसका, ये होता है नॉन बॉन्डिंग SpO कार्बन। बिल्कुल, ये जो लोन पेयर है वो नॉन बॉन्डिंग SpO कार्बन होता है। मेटल मेटल का ये है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसमें ये अपने लोन पर डोनेट कर देता है और बना देता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल सर, तो पहले तो इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये ध्यान रखनी चाहिए कहां से डोनेट कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग SpO कार्बन जो कि एक्चुअली में इसका होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। फिर इसके पास होता है ये वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग। बिल्कुल, वैकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग और मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे पाई बनेगा। अब इसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग बोल दो, बैक बॉन्डिंग बोल दो, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल दो, बट इसमें एक चीज का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप हमेशा CO के बॉन्ड ऑर्डर को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन गलत होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। देखो क्या होता है, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो किस में दे रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग में। और हमें पता है कि सर अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इंक्रीज होती है, बिल्कुल सर, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अपन तो, एसबी माइनस एनए से हाँ, बताते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब CO फ्री है, जब CO फ्री है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 112 पिकोमीटर, जब ये फ्री है तब इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 112 पिकोमीटर, और जब ये मेटल से बॉन्डेड होता है ना, बिल्कुल उस कंडीशन में इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बढ़ के जाती है 115 पिकोमीटर के क्लोज चली जाती है। जेई ने एक बार पूछा है कि आयरन जब आयरन से कार्बोनिल बॉन्डेड है तो CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो बाकी जो ऑप्शन के बेस्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था तो 115 पिकोमीटर हो जाती है। क्यों बढ़ी, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में डोनेट किया, पाई एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करने से बॉन्ड ऑर्डर CO का ऑर्डर डिक्रीज हो गया और CO बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब इसमें क्या है कि सर इस मेटल के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, बिल्कुल उतना ही ज्यादा इस पाई एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा, और इसको जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही डिक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ उतना ही इंक्रीज होगा। तो मतलब कंक्लूड करें तो ये होगा साफ करना सर, ये हो गया हमारे पास कि मेटल कार्बन और ये CO, तो अगर ये इसको डोनेट करता है, अब इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल अगर ये इंक्रीज हुई है, बिल्कुल मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा आएगी, जैसे मैं बोलूं एक मेटल माइनस वन में है, एक जीरो में है, एक प्लस में है, तो सबसे ज्यादा माइनस वन वाली, बिल्कुल सर माइनस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, बट इसके तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है ना, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। आप इसको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो सीधा सा बात है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने इसी को इसमें साथ इंक्लूड कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट भी था और ये कंप्लीट डिस्कशन काफी जरूरी भी था। ये लो सेम क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन ये रीड करता हूं, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज ऑफ मेटल कार्बोनिल द CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द ऑर्डर। धातु कार्बोनिल के सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी आपको दे रखी है, उसमें CO बॉन्ड सामर्थ्य का आपको बढ़ता हुआ आपको क्रम बताना है।
क्वेश्चन को पकड़े तो कार्बन सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब सीओ बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सर सबसे ज्यादा कहां होगा, तो कुछ नहीं करना। अभी जैसा कि सर ने बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल जिसमें ज्यादा होगी उसमें मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। तो सीधा मेटल देख लेते हैं ना, जैसे फर्स्ट आपके पास इन सब में देखोगे तो एक में वेरिडियम माइनस वन में है, बिल्कुल, एक क्रोमियम जीरो में है और एक Mn प्लस में है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कौन, वेरिडियम वाला, तो अगर ये सबसे ज्यादा देगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे कम हो गया, सबसे कम, हमें पूछा है सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल, तो वो सबसे ज्यादा किस में होगा Mn प्लस में, फिर Cr में और फिर वेरिडियम, करेक्ट आंसर जाएगा सर। चलिए ये कांसेप्ट हमने समझा दिया है, और इसको एक बार नहीं वीडियो को पॉज करके आप दो बार तीन बार जब भी है देख सकते हो। क्वेश्चन यहां से आप देखोगे प्रीवियस ईयर में जेईई मेन हो एडवांस हो हर साल लगभग यहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और उनके अंदर बॉन्डिंग का क्वेश्चन तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ एथीन के 3FeCN6 आर, इस कंपाउंड के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है, तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा डिस्कशन है सर, शॉर्ट में अपन वर्नर थ्योरी जब आप डिस्कस करो जी। तो वर्नर ने क्या किया था, वर्नर ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी थी पहली बात तो ये, उसने कंपाउंड जो उस टाइम अवेलेबल कंपाउंड थे कॉम्प्लेक्स थे उनपे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कुछ रिजल्ट बनाए, और रिजल्ट किस बेस पे बनाए, रिजल्ट उसने इस बेस पे बनाए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकता है, आयनिक वैलेंसी कितनी हो सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी मतलब हो सकती है, फिजिकल और केमिकल एक प्रॉपर्टी के बेस पे उसने किया, और फिर फाइनली कंक्लूड किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो लाइनों में आंसर आता है, अगर सोचे प्राइमरी वैलेंसी जैसा सर ने लिखा है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, दैट्स अ फाइनल, बस सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। अब बस इसमें यह ध्यान रखना प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट बाय नेगेटिव आयन, बिल्कुल सर, प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट बाय नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो लिगेंड से सेटिस्फाइड, लिगेंड तो सर जनरली एनायनिक और न्यूट्रल होते हैं, कभी कभी पॉजिटिव लिगेंड के बारे में अपन बात करेंगे, तो लिगेंड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को कंपनसेट करेगा। तो यहाँ ये दिया K3FeCN6, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी, बिल्कुल सर, इसमें ऑप्शन अपने पास ठीक है एक ही है, हाँ। फिर भी अपन और फिर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, अच्छा प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड बाय साइनाइडाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी आल्सो सेटिस्फाइड बाय साइनाइडाइन, बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्लस 3 इस CN माइनस के कारण ही आया, मतलब तीन CN जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को कंपनसेट करेंगे, बिल्कुल सर, आंसर इसमें जाएगा 4, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड हैज द एम्पिरिकल फार्मूला COCl3.5-3, एम्पिरिकल फार्मूला अपने को ध्यान रखना है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड इज मिक्स्ड विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट 2 मोल ऑफ HCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ कंपाउंड इट इज, एक यौगिक है उसका आपको फार्मूला दे रखा है, और जलीय विलयन में अपन AgNO3 के साथ में अपन मिलाते हैं, तो इस यौगिक के 2 मोल HCl PPT बनता है, तो एग्जैक्टली कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है, तो सिंपल सा है, इसमें तो ये 1 Cl आयनाइज्ड होगा केवल, तो AgNO3 के साथ में 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल AgCl यहां बनने वाला है, ये आयनाइज्ड होगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है यहां पे, तो आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, आयनिक बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये 2 Cl बाहर है तो यहां 2 AgCl की PPT आएगी, यहां 1 Cl बाहर है तो यहां 1 AgCl की PPT आएगी, और यहां पर एक भी नहीं, एक भी 0 मोल AgCl, तो हमें ये बोला हुआ है कि 2 मोल AgCl की PPT कहां आएगी, तो आएगी 7 नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी सारे आते हैं, बाकी इजी हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आर इक्वल इन, तत्वों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान किस में समान है, दो दो एंटिटीज के अपने को पेयर्स दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन के अंदर दोनों स्पीशीज के अंदर मेटल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या है सेम, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए फिर क्वेश्चन को लगाते हैं, आप बताइए। आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक सिंपल सा कांसेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि मेटल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आफ्टर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के बाद उसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए, तो सीधा सा है उसका एटॉमिक नंबर देख लो, बिल्कुल सर, जैसे सर ने फॉर्मूला लिख भी दिया है कि एटॉमिक नंबर
जैसे यहाँ निकिल है तो निकिल जीरो है, 28 एटॉमिक नंबर जीरो हो गया, सॉरी ऑक्सीजन स्टेट जीरो हो गया, ऑक्सीजन स्टेट माइनस जीरो प्लस। अब सन्ने टू क्यों लिखा है, क्योंकि साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है, वन लोन पेयर डोनर है, वन लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनर है भाई, वो मेटल को जब देगा तो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही, फिर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सराउंडिंग आ रहा है, तो मोनोडेंटेड है तो दो इलेक्ट्रॉन डोनर है, बाइडेंटेड है तो फोर इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसी कंसेप्ट पे हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी मोनो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो डायरेक्टली सर देखो 28 तो इसका हो गया बिल्कुल सर, और एक कार्बोनिल टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फोर कितना करेगा, एट करेगा, मतलब 36 इसका इफेक्टिव एटॉम नंबर है वो 36 है। अब ये ईएन रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता, अगर 36 आता है 3D सीरीज का है 36 है तो ईएन को फॉलो करेगा, इसका सेंट्रल मेटल आयन जो है वो जिस रेस्पेक्टिव सीरीज में है उसका इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर अगर आता है तो अपन कह सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है करेगा। अब यहां आयरन प्लस 2 में है तो 26 माइनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है 6 है तो बाइ डोनेट करेंगे इसमें, हां तो इसमें भी ये 36 तो दोनों का ईएन का जो वैल्यू है वो सेम है तो पक्का सही है। अपन बाकी ऑप्शन गलत क्यों, अपन थोड़ा देख लो, जैसे कोबाल्ट है इसको इसको चेक कर लेते हैं, चलो निकिल में 28 है, 28 माइनस 2 हो जाएगा। अब एक इथाइलिन डाइएमीन चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि बाइडेंटेड है तो दो कितने करेंगे, 8 करेंगे, तो ये EN इसका इतना आ रहा है। इसकी बात करें Fe का वही प्लस 2 है तो 26 माइनस 2 H2 मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ये प्लस 2 तो इसका 36 आ रहा है, इसका 36 नहीं आ रहा तो यहां सेम नहीं आ रहा, इसी वजह से हम सबके चेक कर सकते हैं बिल्कुल सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl वुड बी ऑब्टेंड व्हेन 100 ml 0.1 m CuNH3 ऑल 5 Cl3 इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HgNO3। इस क्वेश्चन में सर अपने पास ये वॉल्यूम और मोलिटी दे रखी है तो m into b अपन जानते हैं कि मोल्स होते हैं और यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम जो ml में दे रखा है तो अपन 1000 से डिवाइड करके अपन उसको मोल प्राप्त कर सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये तो अपने पास मोलिटी होगी 100 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास मोल्स आ गए, मोल आ गए अपने पास 0.01। तो अपने पास इस कंपाउंड का 0.01 मोल है और अगर आप एग्जैक्टली अपने इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे तो CuNH3 का होल 5 ClCl2 तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर दो, अगर एक मोल से दो मोल अपने को Cl- आयन यहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 0.01 मोल ऑफ कंपाउंड गिव 0.02 मोल ऑफ HgCl प्रेसिपिटेशन विद HgNO3। तो आंसर अपना इस पे कौन सा जाएगा, सेकंड। सिंपल सा सर का कहने का मतलब है, सिंपल सा है कि एक मोल गिव टू मोल HgCl, वन मोल गिव टू मोल HgCl, तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के मोल कितने दिए हुए हैं तो 0.01 मोल गिव 0.02 मोल HgCl, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग Pi(F6-2) CuF6-3 और Cu2Cl2 एंड NiCl4-2 कलरलेस स्पीशीज है, इनमें आपको कलरलेस स्पीशीज अपनी कौन-कौन सी होगी वो आप बताएं सर। जी देखो, कोई भी कंपाउंड अगर कलर शो करता है तो उसका कोई एक सिंगल रीजन नहीं होता है, किसी भी कंपाउंड में कलर आता है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कलर आ सकता है पोलराइजेशन की वजह से, कलर आ सकता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से, कलर आ सकता है एफ सेंट्रिक की वजह से, कलर आ सकता है डीडी ट्रांजिशन की वजह से, कलर आ सकता है एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से, पोलराइजेशन के कारण जो फजान्स रूल में हम पढ़ते हैं, तो इतने रीजन होते हैं। और जनरली कई बार हम ये भी देख लेते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा, अनपेड नहीं है तो कलर नहीं होगा, That's a not concept. ये concept नहीं है, ये प्रॉपर्टी है कि वो जो कलर आएगा या नहीं आएगा वो सब लेमड़ा का खेल है। बिल्कुल सर, वो किस रेंज की लेमड़ा को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी गैप कितना है केटायन एनायन के बीच में, उस पे आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई स्टूडेंट्स को, जैसे अपन टेट्रा हेड्रल और स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं वहां पर भी हाँ कलर आ जाता है, पर कलर जो है ना वहाँ लाइट कलर आता है, क्योंकि हो सकता है कि टेट्राहेड्रल की बात करें तो डेल्टी का गैप जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, डेल्टी का गैप कम हुआ ना तो हम ये बोलते हैं कि यूवी है, विजिबल रीजन है और ये यूवी, ये इंफ्रारेड है, आईआर है, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो लेमड़ा क्या होता है सर, इंक्रीज होता है और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होता है, तो जो हम स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है, डीडी ट्रांजिशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो एनर्जी गैप होता है ना ये टेट्राहेड्रल को बोलते हैं डेल्टी, और हमें पता है टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग सबसे कम होती है, अगर स्प्लिटिंग कम हुई, एनर्जी डिफरेंस कम हुआ तो डेल्टी बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा। बिल्कुल सर,
तो एनर्जी बहुत कम हो गई तो हो सकता है वो यूवी रीजन में चला जाए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो कलर ना भी आए आए तो हो सकता है यहाँ टच कर रहा हो। बिल्कुल सर। और स्क्वायर प्लैनर की सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, बिल्कुल। तो वहां एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, सॉरी थोड़ा सा अपोजिट हो गया। एक बार वापस से देखिए कि डेल टी बहुत कम हो गया, मतलब एनर्जी गेप बहुत कम हो गया, तो इसका मतलब वो आईआर रीजन में चला गया। और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो यूवी रीजन में चला गया, एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो वो कलर के लिए विजिबल रीजन में आना जरूरी है। हाँ, जनरली नीट लेवल तक के हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं पेयर्ड एंड पेयर्ड से, बट नॉट ए कंसेप्ट। आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ोगे तो वहां पेयर्ड स्पीसीज के भी कलर दे रखे हैं। आप एक टेबल दी हुई है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसमें एब्जॉर्ब लैम्डा, ऑब्जर्व लैम्डा, कलर क्या है एंटिटी का, वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो यहाँ सिंपल से देखो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और डीडी ट्रांजिशन जो है ना वो डी जीरो और D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हैविंग आयन नेवर हैव डीडी ट्रांजिशन। वापस से सुने स्टेटमेंट को, मैंने बोला है कि D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं वो कभी भी डीडी ट्रांजिशन नहीं रखने गए। मैंने ये नहीं बोला कि कभी भी कलर नहीं होंगे, बिल्कुल ये नहीं बोला है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो जनरली डीडी ट्रांजिशन की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तव में। KMnO4 K2Cr2O7 की अगर अपन बात करें, यहां पर मैग्नीज़ जो +7 के अंदर है, अपन कह सकते हैं D0 फिर भी कलर शो करता है। क्रोमियम +6 के अंदर है, फिर इसके अंदर भी D0 फिर भी कलर शो करता है। AGI है, D10 है, फिर भी कलर शो करता है। तो किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ये भी जरूरी नहीं है कि भाई कलर डीडी ट्रांजिशन के कारण ही आ रहा है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, पर जनरली हम ये बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो आयंस है या डी ब्लॉक के जो कंपाउंड है उनमें मोस्ट ऑफ कलर्स जो आते हैं वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। बट यहाँ पे D0 और D10, D0 तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ट्रांजिशन होने के लिए, D10 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होकर जाएगा, काम पूरी फील्ड कर दिया सारे फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ देखो CO, हमें यहाँ से बेटर ऑप्शन चूज करना है। थोड़ा सा आपके आंसर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बेटर ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे निकिल यहाँ +2 में है, D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ये +3 में है, D7 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये +2 में है, D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये +1 में है, +1 में D10 कॉन्फ़िगरेशन, D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये यहाँ +4 में आ गया, तो D0 आ गया, D0 कॉन्फ़िगरेशन, और ये D10 आ गया। बिल्कुल सर, तो डेफिनेटली ये स्पीसीज कलरलेस होगी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ऑप्शन। बिल्कुल सर, जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें हमें पता लग रहा है कि यहाँ भी डीडी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। दीज आर कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस हैं। और यहाँ पोलराइजेशन या उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं ये भी बता दूं, यहाँ पोलराइजेशन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी तभी आती है जब एनायन की पोलराइजेबिलिटी हाई हो, बिल्कुल क्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी ना के बराबर हो रही है। और पोलराइजेशन के वैसे भी अपन जैसे डी ब्लॉक के हैलाइड्स हैं वहां पर अपन स्पेशली बात करते हैं, तो अपना इसमें आंसर जाएगा सर कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीएफएससी फॉर COCl6-4 कॉम्प्लेक्स इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, द डेल्टा ऑफ फॉर COCl4-2- विल बी। इस कंपाउंड के लिए अपने को सीएफएससी दी हुई है, इतनी सीएफएससी दी हुई है, तो ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स तो ये डेल ओ की वैल्यू दी हुई है सर। बिल्कुल सर, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें डेल ओ और डेल्टा टी में अपने पास क्या रिलेशन है। हां डायरेक्ट आप, हां रिलेशन कॉम्प्लेक्स अपने पास टेट्राहेड्रल है ना कि स्क्वायर प्लानर। ये वाला जो है वो तो है sp3d2, बिल्कुल, और ये है sp3, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, लिगेंड चेंज नहीं किया है, तो ये रिलेशन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा 9/4 ऑफ डेल्टा टी, या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अपने को दिया क्या है ऑक्टेट्रल, हां यही दिया, इसी से हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है इतनी, और 9/4 आपको डेल टी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करोगे तो इतना आंसर जाएगा अपना कौन सा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दो तीन रिलेशन हमें चेक करने होते हैं, डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ, भूलते हैं बच्चे कहते हैं भूलते हैं, तो टी टेट्राहेड्रल तो ऊपर चार चार ही आएगा ऊपर, ऑक्टाहेड्रल तो अपन यहां पर, हां, और स्क्वायर प्लैनर में अगर बात करें तो डेल ओ इनटू 1.3 सबसे ज्यादा होता है एसपी के लिए, फिर होता है डेल ओ के लिए, फिर होता है टेट्राहेड्रल डेल टी के लिए। तो ये रिलेशन से ऐसे न्यूमेरिकल आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये सर परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ H2S गैस इज पास इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ Cu+2, Cd+2 हैविंग एक्सेस ऑफ कैल्शियम, Cu+2 और Cd+2 इन दोनों स्पीशीज का कोई सॉल्यूशन है, उसमें अपन कैल्शियम पास करते हैं,
जैसा कि अपन जानते हैं कि CN तो क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके रिगार्डिंग ऑप्शन है। सर बताएं सर इसमें अपन किस टाइप से बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको तीन चार चीजें और भी एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, उनको भी आप देखें कि Cu+2 में है और आपको दिया है KCN एक्सेस में, आपको बने KCN दे दे या KI दे दे या फिर KSCN दे दे, बिल्कुल तीन रिएक्शन एक साथ बता रहा हूं, तीनों का देखें। यहां आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि CN माइनस I माइनस और SCN माइनस जो है एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है, कॉम्प्लेक्सिंग कॉम्प्लेक्सिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां Cu+2 दिया है ना, तो सबसे पहले यहां जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा CuCN का होल ट्वाइस, जो कि कंपाउंड अनस्टेबल है, ये कंपाउंड अनस्टेबल है। रीजन देखो क्या अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि Cu+2 में है, साइनाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस करेगा, इनके साथ इन तीनों के साथ Cu ऑलवेज +1 में ही एग्जिस्ट करता है, इसको +2 में नहीं रहने देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार सिली मिस्टेक में बच्चे गलत कर जाते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि इनके साथ कॉपर हमेशा +1 में ही एग्जिस्ट करेगा, चाहे I माइनस दे दो, SCN दे दो या CN दे दो, ये +1 में एग्जिस्ट करेगा, लेड +2 में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल। तो यहां पहले ये बना अनस्टेबल है और ये तुरंत टूटेगा CuCN और हाफ CN2 और इसको हमने बोला साइनोजन सूडो हैलोजन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, सूडो हैलोजन है और टॉक्सिक नेचर का होता है, फिर अब ये प्लस वन में आ गया, अब उसके बाद 3KCN और रिएक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा K3CuCN4। आप ध्यान दें मैंने यहां Cu को +1 में ही रखा है, यहां ये PPT आती है, फिर एक्सेस ऑफ KCN में ये PPT डिजोल्व हो जाती है, बिलोंग्स टू सॉल्ट एनालिसिस, ये सॉल्ट एनालिसिस से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। अब ऐसे में बात करूं Cd+2 की, तो उसकी रिएक्शन कराऊंगा KCN से, तो हमें पता है Cd+2 ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, साइनाइड तो अब भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है, पर करे किसका रिडक्शन, Cd+2 में ऑलरेडी स्टेबल है, D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां सर डायरेक्ट कंपाउंड बनेगा K2CdCN4। अब वो बोल रहा है कि इसमें H2S गैस पास आउट की, इसमें भी H2S गैस पास आउट की, तो हमने ये पढ़ा है कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, डिपेंड करता है किस रिएजेंट से किस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो H2S के रेस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट होता है, डिसोसिएट होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट काफी कम होता है, काफी कम होता है, और ये H2S के रेस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है, तो ये तो H2S के रेस्पेक्ट में परफेक्ट है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा सामने रिएक्शन किससे करवा रहे हो सकता है इसको डिसोसिएट कर दे, बिल्कुल, तो यहां नो रिएक्शन क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है परफेक्ट है, जे के बच्चे हैं तो ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, और यहां पे H2S है तो ये मैंने बोला इम्परफेक्ट है और ये डिसोसिएट हो जाएगा, और यहां CDS की येलो पीपीटी ऑब्टेन होगी, CDS की येलो पीपीटी ऑब्टेन होगी, बाय दिस टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन Cu+2 एंड Cd+2 I, बिल्कुल आप शुरू में चाहे KI ले लो लास्ट में H2S से ये पास कर सकते हो, अगर डायरेक्ट अपन आयन की बात करते हैं जैसे Cu+2 और अपन जैसे Cd+2, अगर दोनों की अपन H2S से बात करते हैं तो यहाँ तो अपन डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि वे CuS और CdS का PPT बनेगा, यहाँ पर ब्लैक बनेगा और यहाँ पर येलो, पर कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं K3CuCN4 के अंदर स्पीसीज अनाइनाइजेबल होगी, जिसके कारण आपको PPT नहीं मिलेगा, जबकि ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसमें हम ऑप्शन चेक करते हैं, अब क्वेश्चन हमें दिया है CuS एंड CdS बोथ आर प्रेसिपिटेटेड, नहीं अभी मैंने बोला CuS तो प्रेसिपिटेटेड हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले उसने KCN डाला है एक्सेस में, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स CuCN4-3 मैंने बोला एक्सेस KCN में CuCN की PPT सोल्युबल हो जाती है, CdCN4-2 भी बनता है, एंड नो इफेक्ट ऑफ कोसिंग H2S, यहां तक स्टेटमेंट सही था बट आगे गलत हो गया क्योंकि इस पे H2S का इफेक्ट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स BR-IN
The magnetic moment of the complex is 5.92 bar magneton. Bar could not be the probable formula in geometry of the complex. NCERT का क्वेश्चन है. बिल्कुल. और अच्छा क्वेश्चन भी है. इससे अपन ये भी अपन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज का क्या एप्लीकेशन अपन ले सकते हैं वो बात भी अपन अच्छे से समझ सकते हैं. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Mn plus 2 Br minus In के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 बोर मैग्नेटॉन दे रखा है. इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने होंगे यहाँ पर 5. इसी तरह कंसेप्ट है. देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हो Nn plus 2 बोर मैग्नेटॉन. तो वैसे तो मैथमेटिक्स के बच्चे हो सॉल्व कर लोगे. फिर भी सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को 1.80 के आसपास आती है, 2 है तो 2.80 के आसपास आती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3.80 के आसपास आती है, 4 है तो 4.80 के आसपास आती है, 5 है तो 5.90 के आसपास आती है, इसके क्लोज वैल्यू आ जाती है. तो इतना है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 2 मतलब 1. आप ये अपन ये कह सकते हैं सर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली मैग्नेटिक मोमेंट दिया है तो अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन दिया है डायरेक्टली. अपन ऐसा भी अपन हां बोल सकते हैं. अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 कब होंगे? जब एक प्रकार से अपने पास भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो. Mn अगर अपन बात करें Mn Br4 इसमें Mn plus 2 है, आगे इसको टेट्राहेड्रल बोल रखा है तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है. इसकी अगर अपन बात करें Mn Br6 और यहाँ पर माइनस 4 दे रखा है तो यहाँ पर भी Mn plus 2 कंडीशन में है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अपने को ज्योमेट्री संकुल का अपने को कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स अपने को विशेष रूप से तो Mn Br4 ये टेट्राहेड्रल ये अपना क्या होगा अपन VVT से अपन इस चीज को बता सकते हैं. बता सकते हैं है ना. बाकी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स अपन जानते हैं कि Mn जो है वो एक प्रकार से प्लस 2 के साथ में हैलोजन्स के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली चार्ट शो करता है. तो यहां पर अपना आंसर कौन सा होगा? 3rd. नेक्स्ट पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. इसमें से अपने पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट तो बताइए सर. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है CuCl4-3 जहां Cu किसमें है? प्लस 1 प्लस 1 का मतलब हो गया डी. 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन तो शुरू के 10 तो भर गए सर. बिल्कुल. ये तो sp3 आने वाला है. बिल्कुल sp3 है. डेफिनेटली sp3 आने वाला है क्योंकि पूरा डी फिल हो चुका है तो dsp2 तो आने का मतलब ही नहीं है. sp3 आने वाला है. तीन ऑर्बिटल की इसमें स्टेटमेंट में तो ये तो गलत हो गया. दे रखा है वो गलत है. नेक्स्ट NiCN6-4 इज ऑक्टाहेड्रल एंड Ni है डी टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. मतलब ही नहीं है सर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है और आपको पेयरिंग करवानी है क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड दिया हुआ है तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर आप भरोगे ये डी है सर. बिल्कुल सर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ एक ही डी बच रहा है तो डी टू एस पी थ्री कैसे आ सकता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2. बिल्कुल. तो ये गलत हो गया. हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3. अगर इसको अपन अपन सीएफटी से भी करें तो d8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्ट्रांग हो चाहे वीक हो सेम सीएफटी कॉन्फ़िगरेशन आता है t2g6ag2 तो वहां पर sp3d2. हाँ. एक प्रकार से हमेशा Ni plus 2 के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल बनता है. तो ये भी गलत हो गया. Zn Br -2 स्टेटमेंट एंड डायमैग्नेटिक क्लियर है कि d10 है. d10 कॉन्फ़िगरेशन 10 भर चुके हैं. ये 10 के 10 भर गए तो आगे तो ऐसे ही है ना. ns है और आगे np3 है तो डेफिनेटली इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और सभी पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक आएगा. ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट अपन ये भी देख लेते हैं कि ये इनकरेक्ट क्यों है. हाँ. क्रोमियम Cr plus 3 d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर शुरू में भर दोगे तो 2d यही खाली हो गए तो d2 sp3 आने वाला है और यहां दिया हुआ है sp3 जो कि गलत है. और VVT को आप इजी वे में ले सकते हो. VVT में NCERT के एग्जांपल दिए हैं आराम से. आंसर अपना इस पे कौन सा जाएगा? 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं इसको रीड करता हूं. ये पैसेज दिया हुआ है रीड करने की जरूरत नहीं है बच्चे के पास है तो इसको अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि इजी T2G ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्प्लिटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग दी हुई है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं. एक थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड इजी. बिल्कुल सर. dx²y² तो डीजनरेट. बिल्कुल. डीजनरेट जो है ये वाले dx²y² और dz². क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड अलोंग द एक्सिस आता है और अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा रिपल फील करेंगे उनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से बढ़ेगी. तो यहाँ ये 5 डी ऑर्बिटल थे डीजनरेट जिनकी पांचों की डी एनर्जी सेम थी. जैसे लिगेंड के कॉन्टेक्ट में आए रिपल्सन होना स्टार्ट हुआ तो अलोंग द एक्सिस लिगेंड आ रहा है तो उनको रिपल्सन ज्यादा रहेगा. तो ये अलोंग द एक्सिस है
जैसे आपको पता है dx square y square मतलब एक्सिस के ऊपर इनकी लोब्स होती है सर। तो ये t2g वाला eg वाला सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंसर आएगा अपना इसमें कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां वो सेम पैसेज है उसी क्वेश्चन का है ये। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स t2g ऑर्बिटल की जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको एनर्जी का आपको बताना है कि भाई इसमें t2g ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई। तो ये डायग्राम इसी में बता देते हैं। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि एनर्जी यहां तो बढ़ी 0.6 डेल ओ से बिल्कुल और यहां घटी 0.4 डेल ओ से। तो इसको दूसरा एक दूसरा पैरामीटर भी है रिप्रेजेंट करने का इसको क्वांटा। तो यहां 4dq से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल क्वांटा इसको बोलते हैं 6dq सॉरी ये 6dq हो गया 6 से बढ़ेगी और यहां 4dq से टोटल इंटरवल अपन 10dq से अपन बता सकते हैं टोटल 10dq आएगा। ये डेसिमल क्वांटा है और यहां पे हमने जो लिया है 0.6 इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां t2g है तो ये 4dq से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसा था मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद स्ट्रांग फील्ड लिगेंड एज। डेलो का हमें रिजल्ट पूछा है d7 अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखा है अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो उस कंडीशन में अपने को CFSC कैलकुलेट करनी है। तो t2g है नीचे तो बिल्कुल और ऊपर eg है बिल्कुल सर ठीक है ये eg है और ये t2g है और ये आपको डेलो को बताना है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड दिया है तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा मतलब पेयरिंग होगी। तो पहले t2g 6 और eg 1 ये कॉन्फिगरेशन आएगा। कॉन्फिगरेशन बोलोगे स्ट्रांग फील्ड में डेल्टा ओ की तुलना में डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी का रिलेशन इस टाइप का होगा। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड डेल ओ ज्यादा है मतलब ये गैप ज्यादा है तो मैं ऊपर क्यों भेजूंगा पहले पेयरिंग कराऊंगा ना पहले पेयरिंग हो। तो यहाँ ये आया तो इसके बेस पे हम निकालेंगे तो डिक्रीज कितने हुई 6 की हुई बिल्कुल। तो 6 की डिक्रीज हुई तो पर इलेक्ट्रॉन 0.4 होती है सर तो 6 × −0.4 मतलब डिक्रीज हो गई −2.4 बड़ी कितने की 1 की 6 से बड़ी बिल्कुल सर। तो इसमें से प्लस 0.6 ये आया तो −2.4 प्लस 0.6 −1.8 आंसर आएगा सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन पैसेज से हट चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी ये सेकंड पैसेज है वो अपने जो डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड ही है सर। सम लिगेंड्स नॉट ओनली डोनेट देयर लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम बट आल्सो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सर अपने पहले डिस्कस कर लिया था बहुत उसी कांसेप्ट पे है। आप देखो थोड़ा सा देखिए In which of the following case is the bond energy of CO bond minimum? बिल्कुल। CO bond minimum कब होगा जब back bonding सबसे ज्यादा हुई है मतलब CO के anti bonding में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब इसके anti bonding में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा ये bond order उतना ही कम हो जाएगा। तो इसके इसमें bond इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है वो देखो हमें पहले दिया है 3CO दिया है तो 3CO में तो जितना बॉन्ड ऑर्डर 3.0 है उतना ही रहने वाला है सर। बिल्कुल सर। फिर हमें बोला है टर्मिनल CO इन ए कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है मेटल है और यहाँ ये CO है और ये CO है ये CO है तो ये तो ब्रिज CO है और टर्मिनल CO ये वाला हो गया। बिल्कुल सर। तो टर्मिनल CO की और अगला बोला है डबली ब्रिज CO तो ये डबली ब्रिज CO हो गया 2M के बीच में आ गया। तीसरा दिया ट्रिपली CO ब्रिजिंग हो तो ट्रिपली का मतलब है कि CO ये मेटल और ये मेटल तीन के बीच में एक CO। बिल्कुल सर। ठीक है तो आप इसको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं 3CO का पूरा 3.0 है। बिल्कुल। इसमें ये मेटल इसको दे रहा है एंटी सॉरी ये मेटल इसको दे रहा है एंटी बॉन्डिंग में। बिल्कुल सर। तो इसमें केवल वन मेटल डोनेट बिल्कुल डोनेट इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहा है तो CO बॉन्ड ऑर्डर तो कमजोर होना ही होना है। तो यहां हमें पूछा बॉन्ड मिनिमम तो आंसर जाएगा 4th। नेक्स्ट वापस ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी यहाँ देखो ये मैंने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैंने बोला है बिल्कुल पहले अपन डिस्कस भी किया था ये बहुत काम आएंगे। सम लिगेंड नॉट ओनली डोनेट देयर वही चीज लिख रखी है इसमें। ये क्वेश्चन जो है
इसके अंदर अपने को CO बॉन्ड की खिंचाव आवृत्ति या स्ट्रेचिंग CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोल दो या फिर इसका वही बॉन्ड ऑर्डर बोल। बिल्कुल, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आएगा वही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आएगा। पर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन फुली एडवांस्ड बेस्ड है, जेईई मेन में इस क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हम पहले क्या दिया है, पहले दिया फेसियल। फेसियल अगर हम बनाए तो 3 आइडेंटिकल लिगेंड 92 ईच अदर, बिल्कुल सर। तो मोलिब्डेनम सर दिया हुआ है और आपको जो लिगेंड दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं CO, ये CO और ये CO और यहां PF3, बिल्कुल सर, और ये PF3 और ये PF3 ये दिया हुआ है। सेकंड हमें दिया हुआ है वो PCl3 दिया हुआ है, मतलब सेम यही है CO 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 PCl3 और यहां भी PCl3 और यहां भी PCl3। थर्ड हमें जो दिया हुआ है वो PME3 दिया हुआ है, तो MO रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये मेटल जो सिंथेटिक बॉन्डिंग है ना, इनके पास वेकेंट डी है, इनके पास पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो दोनों के साथ दिखाएगा। मतलब इस मोलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज 6 प्लेस, 6 जगह जाएगी, यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी, यहां भी 3 जगह यहां जाएगी, 3 जगह यहां जाएगी, यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी। अब तीनों में CO तो क्या दिया है, सेम दिया है। अब इधर कितना खींचने की पावर है, बिल्कुल, तो यहां अगर पाई एसिडिटी ऑर्डर देखे ना तो PF3 की पावर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, फिर PCl3 की है और उसके बाद फॉस्फीन की है। तो मतलब अगर PF3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस CO के पाई एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम जाएगी, सबसे ज्यादा यहां जाएगी, क्योंकि ये पाई क्लाउड जो यहां पर आ रहा है इसको लेने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली इसमें सबसे कम है, ये पाई एसिडिटी का ऑर्डर है, बिल्कुल, तो यहां इनकी लेने की टेंडेंसी कम है तो मैक्सिमम उधर ही जाएगी, बिल्कुल सर। तो पाई एंटीबॉन्डिंग CO के इस इन CO के पाई एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो पाई ऐसे देख लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पाई एंटीबॉन्डिंग, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा है थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमें पूछा हुआ है कम जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में सबसे ज्यादा CO ऑर्डर होगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का कांसेप्ट अपन ने पूरा ही अपन ने इसमें ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम लिगेंड नॉट ओनली डोनेट, वही अपने पास वैसे जब से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम किसके अंदर होगा, तो ये ठीक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। हां, आपसे अब पूछा है बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम, मिनिमम जहां बैक बॉन्डिंग मिनिमम और मिनिमम है, पाई एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम डोनेट होनी चाहिए, बिल्कुल, और सबसे कम डोनेट वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए सबसे कम है, और सबसे कम प्लस वाले के पास होगा तो सबसे कम इसी के पास होगा, फर्स्ट आंसर जाएगा अपना फर्स्ट। तो इस लेक्चर का मेन बेसिक कांसेप्ट यही था कि लिगेंड का इंफॉर्मेशन आपको पूरा मिल जाए, साथ के साथ आपको मेटल कार्बोनिल की सिंथेटिक बॉन्डिंग भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट, अब ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने नेमिंग बेस्ड दिए हैं, तो नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड की वो आपको आना चाहिए, नेमिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला टू नेमिंग, उस पर बेस्ड दिए क्योंकि नेमिंग का क्वेश्चन नहीं था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन का, इसको भी हम अवॉइड कर नहीं सकते, बिल्कुल। तो इसमें हम दो तीन एग्जांपल आपको बताते हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। इसमें सिंपल सा कांसेप्ट है कि हमें फॉर्मूला लिखना है, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले केटाइन लिखा जाता है, उसके बाद अपन एनायन लिखा जाएगा, और केटाइन और एनायन, अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर केटाइनिक है या एनायनिक है, एनायनिक है तो उसके नाम के आगे 8 लगा हुआ रहेगा, मेटल के नाम के आगे 8 लगा हुआ रहेगा, और अगर केटाइनिक है या न्यूट्रल है तो सिंपल मेटल का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे टेट्रा हाइड्रोक्सी, ये लिया जिंक है, फिर टेट्रा हाइड्रोक्सी OH4। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, इसको अपन यूज करते हुए ऊपर चार्ज निकालेंगे -4, तो यहां पर अपने पास क्या चार्ज आएगा बाद -2, इसको अपन यहां लिखा देंगे, ये -2 इसका चार्ज है। इसमें अपने पास केटाइन नहीं दिया, ये एग्जैक्टली आयन का फॉर्मूला है, एक कोई सा भी एग्जांपल, तो सिंपल सा, हां सिंपल सा यही है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिखे जो नेमिंग में दिया हुआ रहेगा, लिगेंड पे कितना चार्ज है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, उन दोनों का जो सम आएगा
वही यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बनेगा। अब इसमें से एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे ये वाला देख लेते हैं। बिल्कुल सर, टेट्रा ब्रोमाइडो और क्यूप्रेट। बिल्कुल सर, तो ये CuBr4 ऑक्सीजन स्टेट इसकी सेकंड दी हुई है, तो प्लस टू, एक बी आर पे माइनस है, माइनस फोर होता है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया माइनस टू, मतलब यहाँ माइनस टू लगा दो, ये फॉर्मूला आएगा। ये तो सेम कंसेप्ट हो गया। एक और बता देते हैं, जैसे अपन ये ले लेते हैं सर, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये भी अपने पास, सबसे पहले अपन ने ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट में मेटल को अपन सबसे पहले अपन ने लिख दिया, जैसे कोबाल्ट यहाँ पर मेटल है, फिर लिगेंड को अपन जैसे यहाँ पर पेंटा एमीन और उसके बाद में नाइट्रेट हो, तो अपने पास एमीन तो मतलब हो गया NH3, ये अपन पेंटा एमीन है, तो ये नाइट्रेट हो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्पिडेंट लिगेंड है तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड कर रखा है। बिल्कुल, और इसके अंदर एग्जैक्टली अपने को यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या दे रखा है, प्लस थ्री, ये न्यूट्रल है, जीरो माइनस वन बराबर अपन बाहर क्या लिख सकते हैं बोलो, प्लस टू, तो प्लस टू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एग्जैक्टली ये आयन का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, कौन सा, पेंटा एमीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो अपन यहाँ पर एटनी लगाएंगे इस टाइप से, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, आपको जवाब मिल जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट, अब की बार अपन ने फॉर्मूले दिए हैं और उनका नाम लिखना है, तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें और अपन इसमें से एक दो एग्जांपल जो है डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला एक एग्जांपल ये डिस्कस कर लेते हैं और फिर सर आप एक एग्जांपल ये डिस्कस कर लेना। जैसे इस कंपाउंड के बारे में बात करें, सबसे पहले अपन कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में अपन एनायन का नाम लिखेंगे, तो ये वाला कैटायन हो गया और ये वाला एनायन, और ध्यान रखना ड्यूरिंग नेमिंग नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिप्रेजेंट नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, MgCl2 ये कैटायन है, इसको आप मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हो, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया, इसको अपन ट्राइकैल्शियम डाइफॉस्फाइड नहीं बोलते, अपन कैल्शियम फॉस्फाइड बोलते हैं, केवल कैल्शियम और फॉस्फाइड ये लिख दिया, तो ऑटोमेटिक अपन जानते हैं कंपाउंड जो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 3 ये नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाता है जब अपन चार्ज बैलेंस करते हैं। अब इसके अंदर अगर अपन लिखे हैं, तो सबसे पहले इसमें कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के रूप में है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम लिखते हैं, पहले अपन लिगेंड लिखते हैं, फिर मेटल लिखते हैं, लिगेंड विद देयर नंबर, कितने कितने हैं उनके साथ, तो हेक्साएमीन हो जाएगा सर, तो हेक्साएमीन, और उसके बाद में अपन मेटल का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कैटायनिक स्पीसीज है, कैटायनिक का तो अपन केवल कोबाल्ट लिखेंगे, और न्यूट्रल एंटिटी में भी मेटल का नाम सिंपल लिखा जाता है, बाकी अपन एनायनिक, एनायनिक अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता तो हम उस मेटल के नाम के आगे 8 लगाते, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट जो प्लस 3 आ रहा है, तो यहाँ पर अपन 3rd लगा देंगे, ये तो कंप्लीट कैटायन का नाम हो गया, और उसके बाद में अपन एनायन का नाम हो गया क्लोराइड। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का प्लीज ध्यान रखेंगे आप, अल्फाबेटिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ एमीन है, ये क्लोरिडो है और ये नाइट्रीटो है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टेट्रा एमीन एमीन, फिर उसके बाद लिखूंगा मैं क्लोरिडो क्लोरिडो या क्लोरो क्लोरिडो क्लोरिडो, फिर लिखूंगा नाइट्रीटो एन, क्योंकि एन से बॉन्डेड हुआ है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकालने जाएंगे, तो मेटल का नाम आ गया कोबाल्ट कोबाल्ट क्योंकि कैटायनिक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा थर्ड रोमन वर्ड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकली और लास्ट में एनायन का नाम, और ये क्लोराइड, तो आप इन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैटायन का नाम आपको बिल्कुल पूरा सेपरेट कंटेंट लिखना है, एनायन का नाम आपका अलग लिखना चाहिए। एक सर अपन वो नेमिंग की बात ही अपन कर रहे हैं, तो अपन क्यों ना इस टाइप की एग्जांपल की नेमिंग, जो प्रोटोनिक एसिड होते हैं, हाँ, इस टाइप से H2SiF6 हो गया है ना, इनके नाम में एक इंपॉर्टेंट एक एसिड, इनके मेटल के नाम के आगे एक एसिड सफिक्स लग जाता है, बिल्कुल तो जैसे इसका लिखेंगे ना, तो इसका हो जाएगा टेट्रा क्लोरो क्लोरो ओरिक ओरिक, और यहाँ पे आपके पास थर्ड, और लास्ट में लिख दो एसिड, क्योंकि ये सब प्रोटॉन डोनर है, इसलिए एसिडिक रिएक्ट कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, CrNH3 का होल 6+3 आपको एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है और एक ये वाला, ये पैरामैग्नेटिक दे रखा है आपको और ये डायमैग्नेटिक, तो अपन जनरली अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन CFT ज्यादा बेटर रहता है, तो अपन यहां पर Cr+3 जो है इसके अंदर अपन जानते हैं D3 कॉन्फिगरेशन है, और D3 कॉन्फिगरेशन में अपन जानते हैं T2G3 0, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है T2G3 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को 3 मिल रहा है, पैरामैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2SP3
T2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को 3 मिल गया, तो पैरामैग्नेटिज्म यहां पर हो गया। और यहां पर अपन VVD से बात को बहुत इजीली समझ सकते हैं, D8 कॉन्फिगरेशन है, CN माइनस की प्रेजेंस में एक प्रकार से क्या होगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, D8 को पेयरिंग करवाओगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 8 के 8 पेयर है, एक D खाली रह गया, कोटेंस नंबर 4 है, तो D एस कौन जीरो डायमैग्नेटिक हाइब्रिडाइज हो जाएगा, डायमैग्नेटिक बिल्कुल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट के 22 क्वेश्चन, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 21 में, बिल्कुल, थैंक यू।